यदि आप एलपीजी उपभोक्ता हैं तो आने वाले दिनों में आपको थोड़ा और स्मार्ट बनना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अब गैस का नंबर लगाने से लेकर डिलीवरी बॉय को पैसा देने तक सारा काम ऑनलाइन संपन्न होगा। ऐसा भारत सरकार के निर्देश के बाद होने वाला है। हालांकि अब भी कई उपभोक्ता ऐसे हैं जो पहले से ऐसी सुविधा का लाभ ले रहे हैं। एलपीजी गैस एजेंसी जाकर गैस के लिए नंबर लगाने और फिर डिलीवरी मैन को गैस का नकद पैसा देने का दिन अब लदने वाला है। भारत सरकार ने अपने निर्देश में गैस एजेंसियों से ये कहा है कि वो उपभोक्ताओं को अपनी सेवा देने के लिए ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन माध्यम का उपयोग करें। यानी गैस एजेंसी अब ऑनलाइन गैस का नंबर लगाएंगे, पैसों का पेमेंट भी ऑनलाइन होगा, डिलीवरी बॉय सिर्फ गैस देने घर तक आएगा, उससे किसी तरह का कोई संबंध उपभोक्ताओं का नहीं होगा। ग्राहक दो तीन मोड से पेमेंट करते हैं, बुकिंग करते हैं। पहला कि आपका ऐप्स के द्वारा, इंडेंस ऐप के द्वारा, दूसरा IVRS के द्वारा, तीसरा व्हाट्सएप के द्वारा। तो तीनों मोड में ऑनलाइन पेमेंट होता है। एक ऐप्स के द्वारा भी ऑनलाइन पेमेंट होता है, IVRS से जो बुकिंग होती है उससे भी ऑनलाइन पेमेंट होती है, बट 24 आवर के अंदर ही पेमेंट करना होता है। क्योंकि हालांकि ये सब कुछ रातों रात बदल जाएगा ये कहना मुश्किल है। ऐसा इसलिए क्योंकि गैस एजेंसियों का पहला लक्ष्य इन सेवाओं को 80% से ऊपर तक ले जाने का है। मतलब ये कि ऑनलाइन सेवा के साथ साथ ऑफलाइन सुविधाएं भी गैस उपभोक्ताओं को मिलती रहेंगी। हालांकि ये सब अस्थायी होगा, उन्हें भी आके ऑनलाइन सेवा से ही गुजरना होगा। में आके कर सकते हैं, आजकल तो व्हाट्सएप बुकिंग भी आ गया है, उसका भी एक नंबर आप दिया गया है, उसके द्वारा भी बुकिंग हो सकता है। और पेमेंट तो आपकी मर्जी, आप कैश में करना चाहते हैं, पर हम लोग प्रिफर करते हैं ज्यादा कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर दे तो ज्यादा अच्छा है। गैस कंपनियों की ये पूरी कवायद देखने सुनने में बहुत ही बेहतर लगती है, लेकिन ये सब कुछ जमीन पर कैसे उतर पाएगा कहना मुश्किल है। ऐसा इसलिए भी कि अब LPG गैस उपभोक्ताओं को गैस उपयोग करने के साथ साथ स्मार्टफोन की अनिवार्यता भी जरूरी हो जाएगी। इससे पहले ऐसे ही सुविधा राशन दुकानदारों के लिए की गई थी, जो वक्त के साथ बेजा साबित हुई। रांची से कैमरामैन हेमंत के साथ अजय लाल की रिपोर्ट।